हजारीबाग झारखंड राज्य का एक खूबसूरत जिला अपने घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के कारण लोगों के बीच जाना जाता है। छोटा नागपुर के पहाड़ों पर बसा ये शहर अपने खूबसूरत प्राकृतिक नजारों और घाटियों के कारण लोगों को आकर्षित करता है। हजारीबाग जिला 4,313 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार हजारीबाग की जनसंख्या 17,34,005 के लगभग है। साक्षरता दर की बात करें तो 70.48% है। लिंगा अनुपात की बात करें तो प्रति हजार पुरुष में 946 महिलाएं हैं। हजारीबाग झारखंड राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 610 मीटर है। वही बात करें तो हजारीबाग के उत्तर पश्चिम में बिहार का गया जिला है, उत्तर में कोडरमा जिला है, पूर्व में गिरिडीह जिला है, दक्षिण पूर्व में बोकारो जिला, दक्षिण में रामगढ़ जिला तथा दक्षिण पश्चिम में रांची जिला स्थित है। आपको बता दें, रांची झारखंड राज्य की राजधानी है और यह हजारीबाग से महज 93 किलोमीटर दूर है। हजारीबाग जिले से दामोदर और ब्राकर नदी बहती है और यह एक बरसाती नदी मानी जाती है और इस जिले का लगभग 45% भाग वन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हजारीबाग में कई महत्वपूर्ण खनिज और अयस्क पाए जाते हैं, जिनमें से कोयला मुख्य खनिज है जो हजारीबाग में बहुतायत रूप में पाया जाता है। इसके अलावे माइका, चीनी मिट्टी और चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से देखें तो हजारीबाग बहुत ही समृद्ध है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह शहर काफी आगे है। यहाँ पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, BCA और अन्य मास्टर डिग्रियों की पढ़ाई होती है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड राज्य का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। यहाँ राज्य के दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। इसके अलावे हजारीबाग में कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं। संत कोलंबस कॉलेज, KB वुमेन्स कॉलेज, आनंदा कॉलेज, डेंटल कॉलेज ऑफ टेमोटांड, कार्मेल गर्ल्स स्कूल, जेवियर स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल जैसे कुछ बेहतरीन संस्थान भी हैं। ट्रांसपोर्ट के दृष्टिकोण से देखें तो हजारीबाग से होकर दो नेशनल हाईवे गुजरती है, NH 33 और NH 2। वहीं हजारीबाग में रेल की भी सुविधा उपलब्ध है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन को हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन को महज कुछ ही साल पहले उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें, 2015 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस रेलवे स्टेशन का शुभ उद्घाटन किया गया था। यह स्टेशन झारखंड राज्य के खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। वहीं हजारीबाग में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। हजारीबाग से नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो हजारीबाग से लगभग 100 किलोमीटर दूर रांची में स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची स्थित है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हजारीबाग के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जहां पर आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह पार्क मुख्य शहर में स्थित है। यह पार्क बहुत ही सुंदर है। इस पार्क में आपको अनेक प्रकार के फूलों के अलावा डायनासोर के स्टेचू बने मिलेंगे, तो आप यहां पर भी विजिट कर सकते हैं। कैनरी हिल हजारीबाग। कैनरी हिल हजारीबाग का एक प्रमुख दर्शनीय स्थान है। कैनरी हिल हजारीबाग मुख्य जिले के करीब 5 किलोमीटर दूर है। इस पहाड़ी में लगभग 500 सीढ़ियां हैं। 500 सीढ़ियों को चढ़कर आप इसके चोटी तक पहुंच सकते हैं। इस पहाड़ी की चोटी से हजारीबाग का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। बाघमारा डैम हजारीबाग। बाघमारा बांध हजारीबाग जिले का एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यह बांध चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह बांध हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। यह बांध बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं। पद्मा किला हजारीबाग। पद्मा किला हजारीबाग जिले का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। पद्मा किला हजारीबाग से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यह किला राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का एक ऐतिहासिक किला है।
तो अगर आप ऐतिहासिक चीजों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस जगह में भी घूम सकते हैं। सूरज कुंड धाम हजारीबाग। सूरज कुंड धाम हजारीबाग का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको गर्म पानी का कुंड देखने को मिलता है। यह जगह हजारीबाग जिले के बरकट्ठा ब्लॉक में स्थित है। यह हजारीबाग से करीब 72 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इसके अलावे हजारीबाग में कई और पर्यटन स्थल भी हैं, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप इन जगहों पर भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।